हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज हम ये किचन का एप्पल बनाना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एप्रन को बनाने के लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। हमने उसे बीच से फोल्ड किया है। बीच से फोल्ड करने के बाद हमें लंबाई 40 इंचेस चाहिए, तो हमने इसके लिए 40 इंचेस लंबाई ली है। ऊपर से हमने 8 इंचेस लिया है। आप अगर थोड़े पतले हैं तो आप इसे 4 इंचेस तक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड हमने 12 इंचेस लिया है। आप इसे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 12 इंचेस लिया है। फिर हमने यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाया है और हमने एक गोल शेप दे दिया है। और अब हम इसे नीचे से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। नीचे हमें कुछ नहीं करना है। और अब हमने जितनी भी लाइन्स ड्रॉ की है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम एप्रन के लिए डोरी का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमने 40 इंचेस रखी है। अब हम जो हमारा कपड़ा निकला था उसी से हम अपने शोल्डर को हेम करने के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो मैंने उसी के शेप में कपड़ा काट लिया है। हमें सब कपड़े को भी गोल शेप में कट करना है। हम अपने कपड़े के बीच में एक कट लगा लेंगे ताकि हमें वहाँ पर डोरी लगाने में आसानी हो। सबसे पहले हम अपने शोल्डर के पास सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई करने के बाद देखिए पर मैं सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद अब हम उसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक बार दोनों साइड हम उसी तरह सिलाई करेंगे। पहली साइड सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को उल्टा करेंगे और जो हमारा कपड़ा बाहर निकला हुआ उसे हम 1/2 इंचेस फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पहला साइड का शोल्डर बन चुका है। सेम इसी तरह अब हम दूसरे और भी सिलाई करेंगे। पहले हम उसे बीच से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को उल्टा करेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई हो जाने के बाद हम नेक की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी उसे हम बीच से फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगाएंगे। जो हमने कपड़े पे कट लगाया था हम वहाँ पर अपने डोरी के कपड़े को रखेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमारा सबसे कॉर्नर साइड है उसे हम 1/2 फोल्ड करके एक बार बीच से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई लगा लेंगे और एक डोरी बना लेंगे। और नेक के पास भी हम उसी पे सिलाई कर लेंगे। हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रख कर हम सिलाई लगा लेंगे। नेक में डोरी लगा लेने के बाद
अब हम सबसे पहले जो हमें कमर के पास लगानी है डोरी, उसकी सिलाई करेंगे। तो हम अपनी डोरी को दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार बीच से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमारी डोरी की लंबाई 40 इंचेस है, तो हम इसे अब बीच से फोल्ड करेंगे और दो बराबर भागों में काट लेंगे। अब हम नीचे का एरिया सिलाई करेंगे, तो हम हाफ हाफ इंच पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और सबसे ऊपर हम डोरी को लगाएंगे। जहाँ पर हमारा शोल्डर ख़त्म हो रहा है, हम डोरी को वहीं पर लगाएंगे और हम उसके बाद सिलाई कर लेंगे। उसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हम एक ही प्लेस पे दो बार सिलाई लगाएंगे और हम डोरी के ऊपर एक दो बार सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी डोरी जल्दी टूटे ना। देखिए फ्रेंड्स, हमने डोरी को बहुत ही परफेक्टली लगा लिया है। उसके बाद हम दूसरी साइड सेम उसी तरह सिलाई करेंगे। देखिए, हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड और अब हम नीचे की साइड में सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड आप हाफ हाफ इंच फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करें, 1 इंच 1.5 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया है और मैंने उसके बाद सिलाई लगा ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, एप्रन बनकर तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।